एक सांसद ही हिंदू मुसलमान करने लगे, इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने लगे, तो क्या ये देश के लिए सही है? देखिए काजोल, जो भदूड़ी जी ने कहा है कल, ये बहुत ही निंदनीय है। यहाँ दानिश अली मुस्लिम समुदाय से आते हैं, रमेश भदूड़ी हिंदू समुदाय से आते हैं, जो ये आप प्रीप्लान की बातें कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उधर जो एक इमोशनल सपोर्ट दानिश अली की तरफ चला जाएगा मुसलमानों का, फिर बाद में सपोर्ट जो है बसपा बीजेपी को दिखा देगी, कुछ ऐसा? ये जनता की जो वो है ना मेमोरी है, बड़ी शॉर्ट टर्म मेमोरी है। मैंने कल भी एक प्रोग्राम के तहत आप लोगों को बताया था कि हमारे वोट का जो तरीका होना चाहिए आम जनता का, वो काम के ऊपर होना चाहिए। न्यूज़ वॉल इंडिया देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूँ काजोल नारायण और मैं हूँ हरीश असवाल। नई संसद, नया कदम, नया भारत, लेकिन नई संसद में वही सब जो पहले भी होता रहा है और एक बार फिर से हुआ है, और इस बार किया है बीजेपी सांसद जो कि साउथ दिल्ली से सांसद हैं रमेश भदूड़ी, जिन्होंने विशेष सत्र के दौरान जब चंद्रयान 3 पर बात हो रही थी, राजनाथ सिंह बात रख रहे थे, उसके बाद मौका मिला रमेश भदूड़ी जी को। रमेश भदूड़ी जी ने दानिश अली जो कि बीएसपी सांसद हैं, उनको इतनी अभद्रता के साथ इतने ऐसे शब्द कहे, इतने कटु शब्द थे कि मैं उसको बता भी नहीं सकती, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्लिप देख चुके हैं, क्योंकि क्लिप जो है वो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो चुकी है। हरीश जी मेरे साथ मौजूद हैं। हरीश जी, ये जो संसद की गरिमा है, संसद की जो मर्यादा है, ये हमें सिखाती है कि हमें किस तरह से अपने शब्दों का इस्तेमाल करना है, अपनी भाषा को कितनी मर्यादित रखनी है, कितनी सीमित रखनी है, क्योंकि आम जनता आप लोगों को इसीलिए चुनकर भेज रही है क्योंकि आप सही तरीके से आपकी आवाज रख सके संसद के अंदर। लेकिन अगर एक सांसद ही हिंदू मुसलमान करने लगे, इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने लगे, तो क्या ये देश के लिए सही है? देखिए काजोल, जो भदूड़ी जी ने कहा है कल, ये बहुत ही निंदनीय है। और मुझे लगा कि जैसे प्री प्लान्ड होता है ना कोई चीज़, ये कुछ प्री प्लान्ड सा लगा मुझे, ना कोई विषय था, ना कोई ऐसी गर्मा गर्मी थी, ना कुछ था, ये प्री प्लान्ड तरीके से उन्होंने कहा। और इसमें दो सांसद जो सबसे ज़्यादा अच्छे सांसदों में गिनती है जिनकी, वो इसमें हंसते हुए नजर आए, जो कि बहुत ही उनके लिए भी निंदनीय है। डॉक्टर हर्षवर्धन जो बहुत ही अच्छे डॉक्टर माने जाते हैं, अब मैं पर्सनली उनको जानता हूँ, ठीक है, उन्होंने हंसकर सपोर्ट कर दिया या मूर्खता पे हंसे, ये तो वही बेहतर जानते हैं, पर वो उसको चुप करा सकते थे कि भैया ये गलत है। राजनाथ सिंह पे ने इन पे बयान दिया, हमारे रक्षा मंत्री ने अपने सूझबूझ का माफी मांगी, पर भदूड़ी साहब के चेहरे पे कोई शिकन नहीं, पहली बात। दूसरी बात, ये जहाँ से सांसद आते हैं, सबसे ज़्यादा पॉश इलाका है दिल्ली का, और सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, पैसे वाले लोग दिल्ली के वहाँ रहते हैं। अगर उन लोगों ने ऐसे अभद्र व्यवहार वाले को, अभद्र टिप्पणी करने वाले व्यक्ति को अपना सांसद चुना है, तो उनको दोबारा से विचार करना चाहिए। अब मैंने बोला प्री प्लान्ड से मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसे बीजेपी में ना कई काम हो चुके हैं कि आप किसी को गाली दीजिए, किसी को कुछ कीजिए, आपको बड़ा पद मिलता है, है ना? तो बड़ा पद मिलने की लालसा जो है ना, मुझे लगा कुछ ऐसा ही लगा कि दिल्ली के अंदर आपको अध्यक्ष बना दिया जाएगा, ऐसी चर्चा चल रही है। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसी बात कर रहे हैं कि आप जितना ज्यादा मुसलमानों को टारगेट करेंगे उतना ज्यादा आपको बीजेपी। अब ये जो इलेक्शन का माहौल है ना, इलेक्शन के माहौल में ऐसी बातें कर देना और भड़का देना और इस तरह के अभद्र शब्दों का प्रयोग कर देना, वो बहुत ही निंदनीय है। और हमारे आने वाले, हम लोग, हमारी आने वाली नस्लें जो अब अगले चुनाव में वोट देने लायक हो जाएंगी 2027-29 में, वो लोग क्या सीखेंगे कि हमने किसको बैठाया, किस तरह की हमारे सांसद हैं जो इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। सड़क पे भी नहीं बोली जा सकती ये भाषा, आप संसद में, तो आपके अंदर घमंड है कि आपके बीजेपी द्वारा ये संसद भवन बनाया गया, तो आप इसको, इसमें कुछ भी बोल सकते हैं, ये आपका नहीं है, ये संसद भवन पूरे भारतवर्ष
वासियों का है, 140 करोड़ जनसंख्या का है ये, और कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री बोल चुके हैं कि ये भारतीयों की मेहनत की वजह से ही ये नया संसद भवन बना है। बोलते हैं ना कि परिवार में अगर कोई एक बिगड़ा हुआ बच्चा पैदा हो जाता है और वो उसका चरित्र खराब है, तो उस जिसका चरित्र खराब है उसको परिवार से निकाल देना चाहिए। बीजेपी को इस टाइम पे उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लेना चाहिए। अब मैं बोलूं, आम आदमी पार्टी में राघव चड्ढा और संजय सिंह ने नारेबाजी की थी, उनको सस्पेंड कर दिया गया। राज्यसभा से बहुत बुरी तरीके से उन्हें निकाला गया था बाहर, सस्पेंड किया गया। हाँ। उनको निकाला गया, इनके खिलाफ क्यों नहीं नोटिस नोटिस दिया, कारण बताओ, नोटिस दिया 15 दिन का, जवाब दें। अरे क्या मतलब है 15 दिन का, चेतावनी देके छोड़ दिया गया। तुरंत ऐसे के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, जो कि अब वो भी कोई सड़क पे चलता हुआ आदमी बोल दे ना, मेरे को समझ में आता है कि उसकी अज्ञानता है, उसको कुछ नहीं पता है, ये संसद में बैठे हुए लोग हैं। और दोनों ही ऐसे लोग हैं जो कि अपनी पार्टी के नामी चेहरे हैं, बड़े चेहरे हैं, बड़े चेहरे हैं। अच्छा, दूसरी चीज, मुझे एक चीज और प्लानिंग में एक चीज और समझनी है, मैं प्री प्लान बोल रहा हूँ ना जिस चीज को, बसपा का समर्थन हमेशा से बीजेपी को है, अब अचानक से इलेक्शन टाइम पे इनके समर्थन में कहाँ पर कमी आ, समर्थन की जरूरत कोई वो नहीं है यहाँ पर विचारों का समर्थन इनका हो रहा है कि कहीं पे भी बीजेपी के अगेंस्ट, कई उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुए थे कई जगह बसपा ने बीजेपी को समर्थन किया कि भैया इनको वोट देना, इनका मतलब हम है और हमारा मतलब ये है, ये एक कंडीशनल इन्होंने इस तरह से काम किया। अब अचानक से इलेक्शन के टाइम पे इस तरह के विचार दोनों पार्टियों में सारा है, तो मुझे लग रहा है कि ये वोट काटो राजनीति भी कहीं शुरू हो रही है। दोनों की प्री प्लानिंग है, प्री प्लानिंग में से? दोनों तरफ से मुझे प्री प्लानिंग में कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि हम गठबंधन के साथ भी नहीं जाएंगे, हम एनडीए के साथ भी नहीं जाएंगे, लेकिन तो हम पीछे से सपोर्ट करेंगे। नहीं नहीं, हम पीछे से कैसे सपोर्ट करेंगे कि अगर ये INDIA बन रहा है तो INDIA में वोट तो जनता ही देने वाली है। अब वोट का डिवीजन कैसे है, कितने परसेंट किसके पास है, बसपा के पास कैसे है, सपा के पास कैसे है, कांग्रेस के पास कितना है, तो वोट किसके कटेंगे? मुझे अगर बसपा, एक और सवाल करना जी, है जी। आपने जिक्र किया यहाँ दानिश अली मुस्लिम समुदाय से आते हैं, रमेश भदौड़ी हिंदू समुदाय से आते हैं, जो ये आप प्रीप्लान की बातें कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उधर जो एक इमोशनल सपोर्ट दानिश अली की तरफ चला जाएगा मुसलमानों का, फिर बाद में सपोर्ट जो है बसपा बीजेपी को दिखा देगी, कुछ ऐसा? ये जनता की जो वो है ना मेमोरी है, बड़ी शॉर्ट टर्म मेमोरी है। मैंने कल भी एक प्रोग्राम के तहत आप लोगों को बताया था कि हमारे वोट का जो तरीका होना चाहिए आम जनता का, वो काम के ऊपर होना चाहिए। अब ये 6 महीने लास्ट के जो ना ऐसा कर देंगे सबको, सब दोनों पार्टियां, कि ना कोई इनसे 10 साल का पूछे, ना कोई इनसे 4.5 साल का पूछे, कोई कुछ ना पूछे, बात करे सिर्फ ये 6 महीने में होने वाले इस तरह की घटनाओं के ऊपर, और सब भूल जाएंगे कि हमें नौकरी नहीं मिली, हमारे घर में राशन नहीं था, हमारे घर में ये सब भूल जाएंगे। ये जनता को, ये जनता की कमजोरी है, जनता की ताकत जहां होनी चाहिए थी वहां इनकी कमजोरी, इनकी लारे लप्पे में जो फंस जाते हैं, इनके ट्रैप में जो फंस जाते हैं, ये हमारा देश का दुर्भाग्य है कि हम शिक्षा के ऊपर वोट देना चाहिए था, सॉल्यूशंस के ऊपर वोट देना चाहिए था, काम के ऊपर वोट देना चाहिए था, हम वोट किस पे देते हैं, दानिश वर्सेस भदौड़ी पे, ठीक है, तो इनके ऊपर हमारा जब, तो ये एक तरह का मुझे ट्रैप नजर आ रहा है, ये मेरी पर्सनल वो है, मुझे ट्रैप नजर आ रहा है कि किस तरह से डिवीजन, किस तरह से सपा के वोट काटे जाएं, किस तरह से कांग्रेस के वोट काटे जाएं, कौन लोग इसमें कैसे होंगे, कौन कैसे भूमिका रोल अपना करेगा, जब इनके वोट डिवाइड होंगे ना तो बीजेपी को ऑटोमेटिकली फायदा होगा, ऐसा मुझे इस पूरे सीन को अगर मैं ऊपर से देखता तो मुझे नजर आता है। ठीक है, मान लीजिए ट्रैप भी है, लेकिन ट्रैप से पहले कार्रवाई की बात हो रही है, बीजेपी पर जनता को भरोसा है, बीजेपी ये कहती है आप भरोसा दिखाइए ना, उस भरोसे को दिखाइए तो आप निलंबित करिए। हाँ, तो निलंबित उसका निलंबन होना चाहिए था, जो अभी तक नहीं हुआ। अधीर रंजन चौधरी साहब ने एक शब्द कहा था गलत, आपने उनका निलंबन कर दिया। यहाँ पर पूरी कहानी लिख दी गई, कल आपने वो वीडियो देखा है ना हरीश जी, उस वीडियो को जब आप सुनेंगे तो मुझे नहीं लगता कि देश का कोई भी व्यक्ति किसी भी समुदाय के लिए इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर सकता है जितनी रमेश भदौड़ी ने की। बिल्कुल, रमेश भदौड़ी ने बताएं अथाह कर दी, और उसमें जो सांसद, बसपा सांसद हैं, मैं उनसे भी बोलूँगा कि उनको रिजाइन कर देना चाहिए। अगर
उनके साथ ऐसा हो सकता था, आम जनता के साथ कैसा होगा, ये उन्होंने भी बात रखी लेटर है, लिखा है उन्होंने कि लेटर, मैं रिजाइन कर दूंगा मेरी कार्रवाई मेरे पे, मेरे तो उनको कर देना चाहिए। ऐसे संसद में बैठने का कोई फायदा नहीं जहां सांसद की आप माननीय की इज्जत नहीं है, आम जनता की क्या करेंगे ये लोग, क्या महिला आरक्षण के ऊपर बात करेंगे आपस में, ये जब एक आदमी आदमी की इज्जत नहीं कर रहा है तो ये क्या बात करेंगे, ये सोचने का विषय है। और इसके अलावा एक और मेरे मन में सवाल आ रहा है हरीश जी, कि वहां पर उस समय जो पीठासीन थे, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि वो रमेश भदौड़ी जी को रोक ले? अब उन्होंने तो रोकने की कोशिश की, आपने देखा होगा उन्होंने रोकने की कोशिश करी, पर वो नॉन स्टॉप गली के गुंडों की तरह वो चर्चा में कूद पड़े, आओ मैं तुझे बाहर देख लूंगा, मुल्ला और इस तरह के आतंकवादी शब्दों को, अब बाकी शब्द ऐसे हैं जो हम तो इस्तेमाल नहीं कर सकते मेरे प्रोग्राम में, पर इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया कि आओ मैं तुझे बाहर देख लूंगा। वो तो शुक्र करो कि उन्होंने कहा नहीं आओ मैं तुम्हें यहीं देख लूंगा, आओ मैं तुम्हारे को यहीं निपटा देता हूँ, तो वो तो फिर अता हो जाती, उन्होंने बाहर देख लूंगा बोल दिया तो एक गली के गुंडों की तरह, जैसे गली के लड़के होते हैं ना कि बाहर निकल मैं देख लूंगा, तो इस तरह का उन्होंने परिचय दिया। लेकिन उन्हें समझने की जरूरत है कि उनकी इस बयानबाजी से सांप्रदायिकता सौहार्द इसका माहौल कितना ज्यादा खराब हो सकता है। माहौल खराब हो सकता है बिल्कुल, अगर आप इसको इंटेलिजेंस के नजरिए से देखें तो हमारी सभी स्टेट की इंटेलिजेंस इस पे लगी भी होगी कि इससे कहां तक असर पहुंचा है, इससे माहौल खराब होने में कोई समय नहीं लगेगा। और दिल्ली में हमने देखा था 2020 में किस तरह से दिल्ली पूरी तरह से दंगों से घिर गई थी, कितने लोगों की जान चली गई, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान कोई भी हो, और यही एक शब्द ही था। इन दंगों में भला किसी का नहीं होता, इन दंगों में दंगाई मारे जाते हैं, ठीक है, दंगा करने वाले ही घर से बाहर निकलते हैं, उन्हीं के वो होती है, पर इसमें नुकसान जो होता है ना वो अपने राष्ट्र की पूंजी का होता है, समय का होता है, जो ग्रोथ में लगना वाला माइंड था वो डिस्ट्रैक्शन हो जाता है उसका पूरा, इन सब चीज़ों का होता है, बाकी इससे कोई फ़ायदा किसी जनता को नहीं। मैं फिर जनता से अपील करूँगा इस बारे में कि आप इनकी बातों में ना जाएं, इन्होंने एक दूसरे को क्या कहा उसमें ना पड़ें, आप अपना आई जो है ना वो बिल्कुल क्लियर रखें कि हमें वोट किस चीज पे देना है। संयम खोने की जरूरत नहीं है, संयम खोने की जरूरत नहीं है इस मामले में, बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है, ये दोनों पार्टियां हैं, दोनों आपस में निपट लेंगी, और आप रिपोर्ट कार्ड जो है रिपोर्ट कार्ड के बेस पे ही वोट करें। फिर नुकसान सिर्फ आपका होगा क्योंकि जान जाती है तो आम जनता की जाती है दंगों में, इनका कुछ नहीं बिगड़ता। लेकिन हरीश जी, एक और सवाल मेरे मन में आया और मैं पूछना चाहती हूँ, सवाल ये है कि ये जो टॉपिक है बहुत गंभीर है, हिंदू मुसलमान का है, और क्या ऐसा हो सकता है आने वाले समय में, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, ये बात पहुँच चुकी होगी, क्लिप बहुत जगह वायरल हो चुके होंगे, बहुत सारी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, क्या वो विरोध कर सकते हैं जिस तरह से उस शब्दों का इस्तेमाल? देखिए ऐसा है ना, जो समझदार व्यक्ति हैं वो इन चीज़ों पे नहीं जाएंगे, जो समझदार कंट्री हैं वो इन चीज़ों पे नहीं जाएंगी। ज़रूरी नहीं है कि हर इस्लामिक कंट्री, हर मुसलमान एक दूसरे को भाई भाई मानता हो। वो आज इस्लामिक कंट्री की ग्रोथ देखी है आपने, आप क्या उनकी ग्रोथ को कम समझते हैं? उनकी ग्रोथ, उनके रुपए की जो पावर है वो हमारे हिंदुस्तान से ज़्यादा है। अगर वो इन चीज़ों में पड़ती तो शायद हम वो कैटेगरी पाकिस्तान वाली होती उनकी, वो इन चीज़ों पर नहीं जाती। तो ये तो एक हमारे पड़ोसी के अलावा पूरे वर्ल्ड में किसी का मानसिकता ऐसी नहीं है कि जो इन चीज़ों पर दिमाग लगाए। यानी इस मुद्दे पर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, दोनों पार्टियां हैं और दो शख्स हैं, दो सांसद हैं, आपस की बातचीत है, लेकिन माहौल ख़राब ना हो इसलिए जनता को सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आप सिर्फ वोट पर ध्यान रखिए, काम पर ध्यान रखिए, आपके लिए क्या सही है, किसने क्या सही किया है, किसने क्या गलत किया है, किसने काम किया है, किसने नहीं किया है, ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो संसद की भाषा मर्यादित होनी चाहिए, क्योंकि संसद के अंदर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होती है वो होती है मर्यादा। मर्यादा में रहकर ही वहाँ शालीनता के साथ अपनी बात रखी जाती है। आप आवाज़ उठाइए, आप बहस करिए, लेकिन शब्दों का चयन आपका ठीक होना चाहिए। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यहाँ पर जो भी संसद में हुआ क्या वो सही था, आप क्या सोच रहे हैं इस बारे में, ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना ज़्यादा चाहे उतना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी आवाज़ जो है वो आम जनता तक पहुँचे, जनता समझे कि हम उन्हें क्या बताना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारा मकसद है आप लोगों तक हर एक सही जानकारी पहुँचाना। तो आप इसको शेयर जरूर करें, शेयर करने से आपका कुछ नहीं जाता, सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता, पर हमें
आगे प्रोग्राम करने में इस पे बल मिलता है और हमें एक शक्ति मिलती है कि हम आप तक अच्छे से अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आएँ। तो आज का कार्यक्रम इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।